मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अजमेर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने रिजु झुनझुनवाला के समर्थन में वोट मांगे हैं। इस अवसर पर उन्होंने बीजेपी और मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम और शाह का रवैया तानाशाह जैसा है, सरकारी एजेंसियों का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस ने हमेशा से ही गरीबों और किसानों के लिए काम किया है, लेकिन बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों के लिए कोई भी बड़ी योजना नहीं शामिल है। हो सकता है देश का नाम रोशन करते दुनिया के अंदर। यहाँ झूठ नहीं चलेगा मोदी जी, दिमाग में रखो, झूठ नहीं चलने वाला है। सच्चाई की विजय होगी, सच्चाई राहुल गांधी के साथ में है। मोदी जी, घृणा, नफरत, हिंसा की राजनीति हो रही देश के अंदर, क्यों आपको दिख नहीं रहा है? राहुल गांधी कहता हमारी अदावत नहीं, हमारी नीति हमारे पास में है। जनता का देखा जोखा देंगे हम लोग और चुनाव पे वोट मांगेंगे हम लोग। जनता फैसला करेगी। माफ किया, कोऑपरेटिव बैंक का कर दिया, भूमि विकास बैंक का कर दिया।